ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। छतरपुर की बेटी नैंसी दुबे ने हाई स्कूल की परीक्षा में मध्य प्रदेश में टॉप किया है। 500 में से 494 अंक लाकर नैंसी ने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। नैंसी ने मैथ्स और बायो में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल करके ये मुकाम बनाया है। 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव से उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई करने वाली एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली नैंसी का सपना है कि आगे वह नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनेगी और समाज सेवा के क्षेत्र में नाम हासिल करेगी। हमें बहुत खुशी है, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। जब हमने अपना रिजल्ट देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हमारा रिजल्ट रहा। बेटा, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी सबसे ज्यादा इस बार कोरोना के काल में। जी, किस तरह से पढ़ाई कर पाई, कितना टीचर ने हेल्प किया? हाँ, हमारे टीचर्स का भी हमारे उसमें बहुत फुल सपोर्ट रहा। और ऑनलाइन क्लासेस में हमें जो समझ में नहीं आता था तो हम पर्सनली सर लोगों से पूछ लेते थे। तो एक्सीलेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एक्सीलेंट टीचर्स हैं। सभी ने हमें बहुत मदद की, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर थे सभी ने हमें बहुत। तो छतरपुर में 46 साल पहले स्थापित किया गया आकाशवाणी केंद्र को अब मोदी सरकार बंद करने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 1 मई से उक्त आकाशवाणी केंद्र को रेलियर केंद्र में तब्दील करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, जिसको लेकर आकाशवाणी केंद्र से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों ने विरोध जताते हुए आज अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा। आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े इस शंभु दयाल अहिरवार ने बताया कि बुंदेलखंड की कला संस्कृति को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। कला संस्कृति को बचाने के लिए आज लोगों का काम छीन रहे हैं, कलाकारों को मंच भी नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ कार्यक्रम बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया कि सभी कार्यक्रम चालू रहा दूसरी जगह से रेलवे में, क्योंकि उससे स्थानीय कलाकार विकास। तो मंदसौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ रोकथाम और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भानपुरा पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गरोट भानपुरा रोड से 2 युवक से अफीम जब्त कर ली है और NDPS की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सुबह मुकुट सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर के गरोड़ तरफ से आ रहे हैं और झालावाड़ तरफ जाने वाले हैं। इस पर सुनारी किराए पर नाकाबंदी की गई थी और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम जब्त की गई। अभी इनको हमने न्यायालय पेश करके इनका PR लिया है, पूछताछ कर रहे हैं इस संबंध में। सुनहरी किराया जो किराया वहाँ पर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आकर के स्लो होती हैं और वहाँ पर नाकाबंदी करने में गाड़ियों को। तो अशोकनगर जिले के चुरारी गांव के रहने वाली एक 20 वर्षीय नवविवाहिता ने रोते बिलखते मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पेट में 7 महीने का बच्चा है और उसके पति उसके पेट में भी लात मारता है, जिससे पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसके साथ आए दिन मोटरसाइकिल के मांग को लेकर मारपीट करता रहता है। वही पुलिस ने शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज के समय में कीचड़ों से धार्मिक नगरी शिवरी नारायण लथपथ है। नगर के गली मोहल्ले में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिसे आम जनता बहुत ही त्रस्त है। वही जिम्मेदार अधिकारी और नेता अपने में ही मस्त है। स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण करके बैठे हैं। देखिए हमारा खास रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड की धार्मिक नगरी नगर पंचायत शिवरी नारायण के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में इन दिनों गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि नगर पंचायत शिवरी नारायण को स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ नगर का इनाम हाल ही में मिला है। आपको बता दें कि यह वही नगर पंचायत शिवरी नारायण है जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है, जहां भगवान श्री राम और माता शबरी की महिमा को लेकर छत्तीसगढ़ का भव्य मेला भी लगता है। और इसी के चलते सरकार के द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ को लेकर करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों व कर्मचारियों के लापरवाही के चलते नगर की गलियों में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। जहां नगर पंचायत शिवरी नारायण की गलियां कीचड़ों से लथपथ है और इनमें कीड़े बिलबिलाते हुए नजर आते हैं, साथ ही इस गंदगी से इतनी बदबू आती है कि अब लोग परेशान होने लगे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कई प्रकार की बीमारियों का शिकार भी होने लगे हैं। इसके बावजूद भी नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिम्मेदार मौन है, बल्कि इस मामले को लेकर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के नगरवासियों ने नगर पंचायत में कई बार शिकायत की है, परंतु नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के नियमों को अपने पैरों तले रौंदे हुए हैं और नगरवासियों को गोल मटोल जवाब देकर बात को टालते हुए नजर आते हैं। अब अधिकारियों की करतूत के बाद स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पर खेलने वाले नहीं पाते, नली में पूरा यहाँ पर भर जाता है गंदा पानी और खेलने की जगह नहीं है हम लोग, और बदबू भी रहता है, बहुत नाली नहीं बन रहा है और कई बार शिकायत भी किया नगर पालिका में जाकर और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जानवर की तरह घर सामने है, सामने में गड्ढा है और घर उधर है हम लोगों का, ऐसे जिंदगी काट रहे हैं जानवर की तरह। गमन भी करते हैं और बच्चे लोग कीचड़ में भी फंस जाते हैं और बद्दी बता रहे तो सांस लेने में परेशानी भी होती है। अरे तो गंदगी में हवन पूरा पोछ किया उड़ा सब घुसा थे घर के अंदर में घुसा थे तो झाड़ू लगा था फेंका था सुपा पूछ वाला कीड़ा ला। कई बार नगर पालिका जा चुके हैं हमन, हाँ वही सफाई बोलते और बात बोलते कि नीरज पंखा के हमन नहीं कर सका नहीं मना कर दे। नारायण के 15 वार्ड में रहती हूँ और यही सामने मेरा मकान है और देखो ना अध्यक्ष ध्यान देता है ना पार्षद ध्यान देता है और इतनी गंदगी है कि मतलब बीमारी होने की संभावना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शाम के मच्छरों का परेशानी होती है, यही से मतलब दलिद्दर से घरों में बांस आती है, सब देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ करते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता साफ सफाई का, पूरी नलिया जाम हो गई है। कहा जाए तो नगर प्रशासन आंखों में पट्टी बांधकर नगर पंचायत को चला रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर पंचायत के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से जागते हैं या फिर धार्मिक नगरी श्री नारायण की गंदगी यूं ही रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए जांजगीर से राधा कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।